पहले पीटरसन ने बोला फिर अभी इन्होंने अश्विन ने बोल दिया ये पाकिस्तान की टीम है कि घर की टीम है अपनी मर्जी से चलाएंगे अपनी मर्जी के फैसले करेंगे जो इनको पसंद आएगा वो करेंगे मुझे बात बताएं ये पीसीबी इसको कहते हैं प्रोफेशनल पीसीबी ये है, क्या नाम है आपने सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना आप तो ब्लैकमे मैं तो यार मतलब हैरान हो गया कि यार ये ये, ये करना क्या चाह रहे हैं मतलब पाकिस्तान क्रिकेट के साथ आप ये सोचें कि यार रविचंद्र अश्विन जो वहां बैठा हुआ इंडिया में उसने अपने यूट्यूब चैनल पर समझा दिया कि यार शान मसूद क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहा है टेस्ट कैप्टन उसने समझा दिया इनकी समझ में नहीं आ रही भाई बात यानी हैरान होने में इतनी देर लगी अभिचंदन अश्विन ने वही बात करी मुझे ख्याल आया तो ये कह रहा है कि हमें पता था हम पाकिस्तान को गिरा लेंगे बाते पाकिस्तान उनके लिए मैटर नहीं था आ क्रिकेट टीम इतनी कमजोर हो गई है कि आप आप गिरा लेंगे ये जो हमारा मान था जिस पर हम ज्यादा ठोकते थे पकड़ के हम अपने मान पे ठोकते थे इनके नाम पे नहीं ठोकते थे उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे बोला भाई कि पाकिस्तान की क्रिकेट को देख के वही जो मैं आपसे अल्फाज कर रहा हूँ कह रहा था पिछले दिनों अब तो तरस आने लग गया इन पे अब तो हमदर्दी होने लग गई है की हाँ भाई ये क्या हो गया इनका हाल अब तो ये काबले रहम हो गए जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस चल रही हैं तो कह रहे थे ये क्या कर दिया यार पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल इन्होंने अभी सात आठ साल पहले दस साल पहले चले जाएं तो इनको हराना यूएई में इतना आसान नहीं था चंद्रैशनल भी खास परेशान है वो भी पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में दो हजार उन्होंने कहा कि दस साल पहले वाली टीम इससे मुख्त थी पाकिस्तान को हराना मुश्किल होता था उनका यह कहना है की जी मैं फील कर सकता हूँ पाकिस्तान के क्रिकेट फैन भी काफी पैशनेट है क्रिकेट को लेके तो बात तो ठीक ही है और तो कोई घेर है नहीं वो तो अर्शद नदीम आउट ऑफ नोवेर आ गया ना नेजा पकड़ के तो जनाब कमाल कर दी वरना तो सात साल में कोई सीरीज नहीं आ रहा यही पाकिस्तान जो पिछले दस मैचेस में अपने घर में एक मैच नहीं जीता और तीन साल से ज्यादा का अरसा हो गया एक मैच ये नहीं जीते टेस्ट का अपने घर में तो वही पाकिस्तान छ सात साल कोई सीरीज लेवल होगी होगी लेकिन हरा के कोई नहीं गया वो जब मिसबा रिटायर हुआ तो फिर जब सरफराज कप्तान बना फिर श्रीलंका ने आ गई यू में पाकिस्तान को दो मैच हरा दोस्तों भारत के आर अश्विन ने पाकिस्तान के घर में हुए व्हाइट वॉश को लेकर एक वीडियो अपलोड की अपने यूट्यूब चैनल पे जिसे देखने के बाद पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैन है उनकी तरफ से एक काफी बड़ा रिस्पॉन्स आया और उन्होंने कहा कि रविचंद्रन अश्विन ने बिल्कुल सही बात की है जो बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मानने ऐसी इनकार कर रहा है जो बात पाकिस्तान के बहुत सारे न्यूज एंकर मानने को तैयार नहीं थे वो बात रविचंद्र अश्विन ने की और वो बिल्कुल सही है पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल को लेकर रविचंद्रन अश्विन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज हुई थी जिसमें पाकिस्तान व्हाइट

हां भाई ये क्या हो गया इनका हाल अब तो ये काबिल रहम हो गए हैं जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंसिस चल रही हैं तो कह रहे थे ये क्या कर दिया यार पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल इन्होंने अभी सात आठ साल पहले दस साल पहले चले जाएं तो इनको हराना यूएई में इतना आसान नहीं था यार चलो ठीक है आपका क्या ख्याल है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया आपस में टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते तो जो क्रिकेट फैंस हैं अगर हमें भी पता है कि पाकिस्तान आपको अगर इंडिया से देखने का आपको पता है पाकिस्तान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा जो इंडियन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं वो बेशक के पाकिस्तान के साथ टेस्ट क्रिकेट ना खेलें या कोई भी फॉर्मेट ना खेलें पता उनको जरूर होता है ये किससे खेल रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस क्या है नया इनका कौन सा अच्छा बैट्समैन आ रहा है नया बॉलर कौन सा आ रहा है तो ये दोनों तरफ पता ही होता है और ये तो जाहिर है कि उस खेल में इन्वॉल्व है अश्विन उनको तो पता ही है वो बीच बीच में ही इज वन ऑफ क्रिकेटर्स के जो बाकी कंट्रीज की क्रिकेट को भी फॉलो करते रहते हैं और आई जस्ट टोल्ड यू क्या अक्सर उनके ट्वीट्स वगैरह देख के पता चलता है कि सारे जो भी क्रिकेट कहीं अच्छी चल रही है तो ही फॉलोस तो अब उनका यह कहना है कि ये क्या हाल कर दिया जी पाकिस्तान के क्रिकेट का इतना बुरा हाल दस साल पीछे चले जाए यू में भी पाकिस्तान किसी को आसानी से जीतने नहीं देता था और पाकिस्तान जब तक मिसबत दस ये 2010 के बाद से 17 तक कैप्टन रहा है पाकिस्तान यूएई में दैट वाज द होम ऑफ पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान में तो क्रिकेट हो नहीं रही थी सिक्योरिटी की वजह से कोई टीम आने को तैयार नहीं थी तो वहां पर जब पाकिस्तान खेल रहा था तो पाकिस्तान कोई सीरीज हारा नहीं है सात साल में कोई सीरीज नहीं हारा यही पाकिस्तान जो पिछले दस मैचेस में अपने घर में एक मैच नहीं जीता और तीन साल से ज्यादा का अरसा हो गया एक मैच ये नहीं जीते टेस्ट का अपने घर में तो वही पाकिस्तान छह सात साल कोई सीरीज लेवल होगी होगी लेकिन हरा के कोई नहीं गया वो जब मिसबा रिटायर हुआ तो फिर जब सरफराज कप्तान बना फिर श्रीलंका ने आगे यूएई में पाकिस्तान को दो मैच हराए जब तक कप्तान था तो अश्विनाथ सिंह इट वॉज नॉट इजी टू बीट में, में जनाब अश्विन ने पाकिस्तान की जो बांग्लादेश के खिलाफ वाइट वॉश हुआ और जो डिफीट हुई है उस पर हैरानगी का इजहार किया उन्होंने बोला है कि मैं बड़ा हैरान हूं पाकिस्तान ने हजार दिन से ऊपर हो गए हैं कोई होम सीरीज नहीं जीती है तो अश्विन क्यों हैरान है मेरी जान आप हैरान ना हो है यहाँ सब ठीक है हैरान किस चीज़ के आप देख नहीं रहे दे कि यहाँ स्टेडियम बन रहे हैं आप देख नहीं रहे दे कि खुदाइयाँ चल रही हैं धड़ा धड़ दर, धड़ा धड़ धड़ा धड़ खुदाइयाँ चल रही हैं चीज़ों में आप हैरान क्यों है हैरान ना हो है आप आप देख नहीं रहे दे कि हम पाकिस्तान कप कराने लगे हैं पाकिस्तान कप होने लगा है आप किसी आप देखिए कि पाकिस्तान कप से कैसे कैसे धड़ा धड़ लड़के निकलते हैं कैसी एक जो है ना बैटरीज हमें मिलती है फास्ट बॉलर्स की कैसे हम प्लेस प्रोड्यूस करते हैं जैसे आप देखिए आप देख नहीं रहे आप हैरान क्यों है यार अभी हैरान होने की जरूरत नहीं आप देखिए कि हमने पांच मिनटोर्स नहीं रखे इतनी इतनी हैवकी सैलरीज पे आप देखिएगा कि वो कैसे पाकिस्तान की तरक्की में काम करते हैं खैर आप क्या ही देखेंगे उन्हें क्योंकि आप तो हम लोगों के साथ खेल रहे हैं आपको वही लड़के दिखते ही रहेंगे हर जगह वही लोग दिखते रहेंगे लेकिन आप इस दफा देखिएगा हर दफा की तरह इस दफा भी देखिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट कैसे फ्लरिश करती है कैसे उठती है आप देखिएगा कि इस दफा मेरिट का हम कितना ख्याल रखेंगे आप देखिएगा इस दफा कोई ज्यादा नहीं हम किसी के साथ होने देंगे तो आप परेशान क्यों होते हैं परेशान ना हुई ये इनका विजन है रवि ये इनका विजन है ये ऐसे चलेंगे अभी तो पाकिस्तान की क्रिकेट आठवें पे ही है कोई बात नहीं इससे क्या हो ही जाता है ऐसा ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं कोई मसले वाली बात नहीं है क्या हो गया टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के अंदर अगर हम जो है ना क्वालिफाई भी नहीं कर सके बाहर हो गए क्या हो गया रवि अगर हमारी टीम में ग्रुपिंग्स हैं कोई ऐसा मसला है नहीं क्योंकि वही लड़के हमने दोबारा खिलाने क्या हो गया कि हमारे प्लेयर्स की कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है वो टीम के अंदर है कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें क्या बात है आप घबराइए नहीं रवि हम कोई मतलब कि भारत थोड़ी है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपनी क्रिकेट पर हम हम भारत की तरह एक टीम थोड़ी डेवलप करेंगे वहां पे उस तरह का भुमरा की जो रिकवरी हुई है जिस तरह वो इंजरी के बाद आए हैं इस तरह पाकिस्तान में आपने किसी फास्ट बॉलर की रिकवरी देखी और आके वो वर्ल्ड कप जितवा दे वहाँ तो परेशान क्यों है यहाँ सब अच्छा है मेडिकल पैनल्स ये वो सारे टॉप क्लास की सारी चीज़ें हैं बहुत प्रोफेशनलिज्म है इधर यहाँ की डोमेस्टिक के कहने ही कहने ही कुछ नहीं है ज़बरदस्त चीज़ें हैं यहाँ परेशान ना हुई आप हम भी परेशान नहीं हो रहे अब अब हैरान भी ना हुई आप क्योंकि हम भी हैरान नहीं हो रहे ये सारी चीज़ें ऐसे एक दिन में नहीं हुई हैं रवि यहाँ टाइम लगता है यहाँ टाइम लगता है चीज़ों को करने में तो हम भारत की तरह यू नो मेरिट को थोड़ी प्रिवेल करेंगे और अपनी क्रिकेट टीम को इंडियन क्रिकेट टीम को स्ट्रांग जिस तरह किया है उस तरह थोड़ी हम यहाँ करेंगे हम यू नो कॉम्प्रोमाइज करेंगे हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे हम थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस को जो है ना आपके विराट कोहली से थोड़ी मिलाएंगे ठीक है हम कंपैरिजन थोड़ी स्टार्ट कर देंगे अश्विन ने वही बात करी मुझे ख्याल आया यार हम तो कब से ये कहते आ रहे हैं कि हमें डर क्या था जो पाकिस्तान क्रिकेट का एक हुआ है ना हुआ एक था 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 एक अपोजिशन जो आपसे उसको ये होता था, था जाता था, था कि यार आएंगे और पता नहीं क्या कर देंगे वो वो डर डर खत्म हो गया लोगों को शायद इस बात का रियलाइज ही ना हुआ कि यार ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट की आरकाइ पे हम पांच साल मुसलत रहे, <laughs> रहे वो ठीक है बाबर आजम कप्तान उसके साथ एक हजार दिन हो गए क्या किसी पाकिस्तान के लेनी चाहिए ज्यादा लड़के क्रिकेट खेले से लेनी चाहिए जवाब आप पर छोड़ते हैं गिनती होती है तो हो सकता है कि आगे भी लगातार वो प्रोग्रेस करती जाए और 10, 15, 20 ऐसे जा सकती है कुल जो सिचुएशन इस समय है पाकिस्तान की वो काफी दयनीय है ये पाकिस्तान के फैंस का कहना और उनका कहना है की आर अश्विन की जो ये वीडियो है ये हम पाकिस्तान के क्रिकेटर्स और पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है उनको जरूर देखनी चाहिए साथ में इस वीडियो को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में भी बात होने लगी की आर अश्विन ने वो कमी पकड़ी है और वो कमी पाकिस्तान के क्रिकेटर और पाकिस्तान के जो क्रिकेट एनालिस्ट है उनको बताई है जिसे की नजरअंदाज किया जा रहा था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान पाकिस्तान के जो फैंस है उनकी परवाह ना करते हुए मन मर्जी के डिसीजन लिए और नतीजा सबके सामने पाकिस्तान की टीम जो है वो एक के बाद एक लगातार जब किसी को लगता है कि दिखाती है और इससे नतीजा ये आता है की एक के बाद एक पायदान में पाकिस्तान की टीम फिसलती जा रही है अभी हाल ही में जो बांग्लादेश से इन्हें हार मिली है वो बिल्कुल ही शर्मनाक है पाकिस्तान के लिए क्योंकि पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि अफगानिस्तान से हारने के बाद यूएसए से हारने के बाद जिम्बाब्वे से भी हारने के बाद ये और किसी से हारेंगे खैर इन्हें नया ओपोनेंट मिला और बांग्लादेश ने इन्हें व्हाइट वॉश कर दिया इन्हीं के घर में इन्हीं की बनाई पिच पे आपको पता होगा पिच के लिए भी पाकिस्तानियों ने अंग्रेज बुलाया और उसे खूब सारा पैसा दिया उसके बाद उस अंग्रेज ने इनके कहे मुताबिक पिच बनाई और उसी पिच पे पाकिस्तानी हार गए और आज ही मैं देख रहा था बांग्लादेश के जो खिलाड़ी थे वो उसी ट्रॉफी के साथ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे थे जिसके नीचे पाकिस्तानी फैंस का रोना धोना मचा हुआ था कुल मिला के इसी को लेके इस समय आर अश्विन की जो वीडियो आई थी पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज को लेके उसकी काफी चर्चा की जा रही थी और जो बात पाकिस्तान के फैंस काफी समय से पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है क्रिकेट टीम की उस तक पहुंचाना चाहते थे मुझे लगता है

क्रिकेट काफी अच्छी हुआ करती थी लेकिन इतना बुरा भी महसूस नहीं करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट को वहाँ से यहाँ लाने में पाकिस्तानियों का योगदान है तो इसमें इतना बुरा फील करने की बात नहीं है हम किसी भी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट तरीके ऐसी रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो उनकी गलती है जो की अपने भविष्य को देख के अपनी स्थिति के अनुसार डिसीजन लेते हैं और नतीजे उनके सामने आ जाते हैं हालांकि बहुत सारे न्यूज एंकर उनकी बात को सुन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ट्रोल भी कर रहे थे जिसमे वो कह रहे थे अश्विन को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान में बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिकेट संभाली जा रही है और आपको पता ही होगा किस तरीके से नए नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं और किस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी की जा रही है कुल मिला के बहुत सारे जो न्यूज एंकर है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर व्यंग किया और जो के पॉइंट है उन्हें लेजिटेमाइज करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को घेरा साथ में पाकिस्तान के जो क्रिकेटर है जो की इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल है उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया क्यूँकी उनका बहुत बड़ा योगदान है इस